अभी डॉक्टर मनमीत कुमार से मैं जिस सवाल को पूछने वाला हूँ, ये मुझे लगता है कि हम सभी को अपने आसपास भी देखना चाहिए, क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली डॉक्टर मनमीत कुमार, अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या सिम्टम्स या किसी के ऊपर ऐसे किसी साये का प्रभाव है, तो पता कैसे चलता है? कोई ऐसे सिम्टम है, कोई ऐसे लक्षण है जिससे एक आम आदमी भी जान सके? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इस शो के माध्यम से हम जिन लोगों तक पहुंच रहे हैं उनका ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या ये कोई मेडिकल कंडीशन है। आजकल मेडिकल कंडीशंस और ये एक्टिविटीज़ के सिम्टम्स मिक्स हो गए हैं। पहले के लोग जो थे वो जल्दी पता लगा पाते थे, पर मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊँगी। अगर तो ये दो लेवल्स पर हो सकता है, एक जिस जगह पर आप रहते हैं वो जगह में प्रॉब्लम है, तो आपके घर में या ऑफिस में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और दूसरा आपकी अपनी एनर्जी बॉडी में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ग्रस्त है, तो उस जगह में आपको जाते ही बहुत अनईजी लगने लग जाएगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हम ऑफिस में बहुत खुश रहते हैं, जैसे ही हम घर में घुसते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हमें लगता है कि हम घर ना जाएं, हम रात को यहीं सो जाएं। आप ध्यान से अगर सुनेंगे और आप पूछेंगे कि आपको क्या अनईजी लगता है, घर जाके तो लोग रिलैक्स होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो कहेंगे नहीं। दूसरा साइन है कि आपके घर से कोई ऐसी स्मेल आ रही है जो जा ही नहीं रही। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि प्लम्बिंग का इशू है, पुराना घर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके घर के आसपास या घर में से किसी जगह से एक ऐसी स्मेल है जो जा नहीं रही है, तो ये एक डेफिनेटली पैरानॉर्मल एक्टिविटी का साइन हो सकता है। ये स्मेल बुरी होती है, फाउल स्मेल, गंदी स्मेल, दुर्गंध। अच्छा। और एक थोड़ी अजीब सी रहेगी, इसके अंदर थोड़ा कुछ जैसे सड़ने की बू आती है, उस टाइप की, जैसे कोई चीज बहुत दिनों तक पड़ी रहती है उसमें सड़ान आ जाती है वैसी। डॉक्टर मनमीत, कई बार कहा जाता है जब डिवाइन पावर्स होती हैं, पॉजिटिव पावर्स होते हैं, तो बहुत अच्छी सुगंध जैसा महसूस हो, तो क्या ये उसी रिस्पेक्ट में? उसी का ऑपोजिट। अपोजिट, हाँ जी, उसी का ऑपोजिट। और लोग कहते हैं हमने बहुत फिनाइल डाल ली, हमने प्लम्बर को बुला लिया, पता नहीं कहाँ से आ रही है, पर आ रही है। तो वो एरिया जो होगा जहाँ से आ रही है, वहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो नॉर्मल शक्तियों से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम शक्तियों को भी देखें तो इनकी भी काफी कैटेगरीज हैं, भूत, पिशाच, जिन वगैरह, तो काफी है इसमें। प्रेत अलग होता है, भूत अलग होता है, जिन अलग होता है, और एक नॉर्मल आत्मा अलग होती है। तो जो स्मेल वाली होती है वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल की, हायर लेवल की जो आत्मा होती है वो होती है। और आपके घर में आपको लगेगा कि बिना वजह लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों में बीमार पड़ रहे हैं जो चीज़ें डॉक्टर बता नहीं पा रहे कि कोई क्यों बीमार हो, अनआइडेंटिफाइड, उसे पता नहीं चलता एग्जैक्टली कारण क्या है। एक तो वो अचानक से आ जाएगी बीमारी, और एक लंबे समय तक चलेगी। अच्छा, तो ये दो सिम्टम्स होते हैं। एक और चीज़ है कि आपके घर में आप कितनी भी कोशिश कर लें, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे किस दिन आप आरती नहीं कर पाएंगे, किस दिन आपका मन ही नहीं करेगा। ऐसे घरों में अगर एक कोने में पूजा होती भी है तो उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो पूजा नहीं हो पाएगी। अगर आप कोई भी भगवान की मूर्ति लेके आएंगे, या तो वो मूर्ति खंडित हो जाएगी, या अचानक से फोटो का गिर जाना, ये साइंस होते हैं। अच्छा। कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। एक नई तरह की चीज़ निकल के आ रही है पिछले एक साल में, जिस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा झगड़ा जिसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक को लगता है कि वो दूसरे इंसान को देख के ये कहते हैं कि ये कौन है, ये ऐसे कैसे कह सकता है। अगर हम बहुत अच्छे दोस्त हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, हमें एक दूसरे की नेचर के बारे में पता होता है। Correct. लेकिन कभी कभी मेरे पास अब बहुत ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं जहाँ वो कहते हैं कि मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा, लेकिन मेरी आंखों के सामने कह रहा है। लोग कहते हैं उनका चेहरा बदल जाता है, वो इतने गुस्से में हो जाते हैं कि लगता है मार ही देंगे। और यही हस्बैंड जो है वो वाइफ के बारे में भी कहता है। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी कभी जो हमारे घर में एंटिटी होती है, आत्मा होती है, वो एक दो में से किसी एक इंसान पर हावी हो जाती है, जिसको हम पार्शियल पोजेशन कहेंगे, और फिर वो एकदम छोड़ देती है।
तो जिस पर्सन को वो एकदम छोड़ देती है उसको अचानक से फिर लगता है कि अरे मैं झगड़ा कर रहा था, तुम इतना क्यों ऐसे देख रही हो, क्या हुआ? और वो जो वाइफ है वो सोचती है अरे अभी तो बिल्कुल ही मारने पे उतर आए थे और अभी एकदम ठंडे पड़ गए। और जैसे ही वो इंसान ठंडा पड़ता है, आत्मा उसको छोड़ती है, वैसे ही उसको लगता है कि मेरी सारी एनर्जी निकल गई, या तो वो गिर जाता है, या वो पानी पीने लग जाता है, या एकदम शराब की तरफ जाता है। Okay. तो कई कपल्स में ये पैटर्न बन चुका है कि बहुत जबरदस्त झगड़े के बाद एक पार्टनर जो है वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है और बिल्कुल कह देता है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, क्योंकि उसकी चेतना है ही नहीं कि मैंने ऐसा कहा। उसे पता ही नहीं होता उसे नहीं पता। किसने कहा, किसी और शक्ति ने, कोई और करवा रहा है। जी जस्ट डॉक्टर मनमीत, मैं आपकी इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ। करीबन 2 साल पुरानी बात है, किसी परिचित ने हमारे ये मुझसे कही थी ये बात कि उनकी पत्नी के अंदर एक ऐसा बदलाव हुआ है कि जहाँ पे वो अपने ही बच्चे की जान के दुश्मन लगती हैं। रीजन समझ में नहीं आता था, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल होता था, लेकिन उन्हें हमेशा ये डर लगता था कि कहीं उनकी पत्नी के द्वारा ही जो है उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए, कुछ कर ना दिया जाए। तो बाद में जो मुझे पता चला कि उन्होंने किसी से इस बारे में पूछा, किसी साइकिक रीडर, किसी तांत्रिक, किसी ओझा, जैसे भी जो मतलब इन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, उनके द्वारा किए गए उपायों से उन्हें राहत मिल गई जी। और उनकी पत्नी का स्वभाव जैसा पहले कभी हुआ करता था वैसा हो गया, वैसा हो गया जी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में करीबन कुछ महीने उनको लगे या करीबन एक साल लगे, क्योंकि वो पहले उनको पहचानने में टाइम लगा जी। जब उन्होंने इस चीज़ को खुद जाना तब उन्होंने किसी से कंसल्ट किया, और कंसल्ट के बाद जो है उन्हें समझ में आई कि बात क्या है, और जो भी उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होते हैं मेडिकल नहीं, क्योंकि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी। तो मुझे लगा कि होगी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आज आपकी बात से मैं रिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को जी, कि शायद ये घटनाएँ बढ़ी हों, मे बी ऐसी कोई बात हो, क्या हकीकत है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आप उसकी एक्सपर्ट हैं, आप बेटर इन चीज़ों को बता सकते हैं।